नवमी पर्व के दौरान देर रात तक हुए आयोजनों के बाद हर साल की तरह सफाई मित्रों के अवकाश के चलते इंदौर नगर निगम के लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने एक दिन का अपना सफाई अभियान पूरे शहर में चलाया। इस आयोजन में कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सफाई मित्रों के सम्मान में संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, सांसद शंकर लालवानी ने आमजन के सहयोग से शहर में कल सुबह से ही सफाई अभियान चलाया। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। काम दिया गया है, जन भागीदारी की गई है, श्रमदान आप लोगों ने किया है, किस तरीके के इनिशिएट है? देखिए, आज हमारे वाल्मीकि की समाज वाले बंधुओं का त्यौहार है, बहुत बड़ा गोगा देव, उनकी वैसे ही पारंपरिक छुट्टी रहती है, पर स्वच्छता में हम नंबर वन हमेशा रहे हैं, तो एक दिन भी कचरा नहीं रहना चाहिए, उस बात को लेकर ये अभियान चलाया गया है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूरे कहा था कि हम पूरे देश में गंदगी छोड़ो अभियान, भारत जैसे अंग्रेज छोड़ो अभियान उस समय चला था, उसी के अवसर पर उन्होंने कहा था गंदगी छोड़ो अभियान चलाएंगे। मुझे लगता है आज की अभियान की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, उनकी प्रेरणा से आज सभी जनप्रतिनिधि, शहर की जनता हर चौराहे चौराहे पे 2000 स्थानों पर सफाई कर रही है, ये देश के लिए एक नया उदाहरण है। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे सफाईकर्मी जो गोगा नौमी के बाद में छुट्टी पर रहते हैं, तो आज पूरे शहर भर में जो सफाई है वो सभी इंदौर के नागरिक करते हैं। आज का अभियान न सिर्फ सफाईकर्मियों के लिए सम्मान का पर्याय है, बल्कि इंदौरियों के लिए गर्व का विषय भी है, क्योंकि हर इंदौर का निवासी ये जानता है कि सफाई कोई एक संस्था का काम नहीं है, इंदौरियों के अब खून में सफाई आ चुकी है। हम सभी सफाई और गंदगी के बीच के फ़र्क को जानते हैं, और इंदौरियों ने जो पिछले 4 साल से जो जज्बा दिखाया है उसी के कारण हम लोग लगातार नंबर वन बने हुए हैं, और इंदौर शहर इसी तरीके की जज्बे के साथ में, इसी भावना के साथ में आगे बढ़ेगा, और मुझे लगता है हमारा नंबर वन का ताज इस जब जन सहयोग और जन भागीदारी की भावना स्वच्छता के साथ जुड़ती है तो फिर कोई कारण ही नहीं कि यह ताज कहीं और जाए। 3 नए वाहन लिए गए IWM की जो मैकेनिकल स्वीपिंग की टीम है उसमें हम लोगों ने 10 से 12 नए वाहन जोड़े हैं, 3 वाहनों का लॉट हम लोगों को मिल गया है, जिसने आज अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका कल रात से निभाई है, जहां हमारी स्वीपिंग नहीं हो पा रही वहां मैकेनिकल स्वीपिंग के जरिए किया गया है, और ये फ्लीट अभी लगभग 15 दिन में पूरा हो जाएगा, तो कम से कम 12 से 15 वाहनों से हम लोग अपनी जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य मार्ग हैं, उनको मैकेनिकल स्वीपिंग से साफ करेंगे। वीडियो भी कल मैम एक